हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई एम ऑडेबल ना हेलो एवरीवन नमस्कार नमस्कार आ जाओ फटाफट बहुत जल्दी से और हम सब लोग क्या करने वाले हैं करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी ठीक है तो वेलकम यू ऑल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक मिनट रुक जाइए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा गुड हेलो 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 hmm. चलिए आवाज़ आ रही है सबको मेरी नमस्कार ठीक है एक को इमोशनल क्यों हो गए भाई चलो भाई शुरू करते हैं आज की कहानी आप सब लोग जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोगों की क्लास जो होगी वो मंडे वेटनेसडे और फ्राइडे होगी यूट्यूब के ऊपर रात साढ़े दस बजे बताया मैंने आपको है ना और बाकी संडे कल तो क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारण से लेकिन वो क्लास मैं आगे ले लूंगा संडे ट्यूजडे और थर्सडे क्लास होगी अन अकेडमी के चैनल पे ठीक है हाँ तो वेलकम यू ऑल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वेलकम 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 फटाफट आ जाओ शेयर कर दो वीडियो को आगे बढ़ते हैं देखो भाई आप सभी लोगों के लिए ये एक सौगात है सेलिब्रेट योर लव फॉर लर्निंग ठीक है तो आप सबको मौका मिल रहा है यू कैन अवेल द ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट ऑन परचेजिंग ऑफ एनी कोर्स वैसे तो आप सभी लोग सी डी एस एफ कैट या सीएपीएफ की तैयारी कर रहे होंगे तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए कोड है एच आई एम वन टू ये कोड लगाओगे ना तो आपको जो डिस्काउंट है वो बढ़ जाएगा आपका यूजली आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलता है और वो बढ़ के ट्वेंटी परसेंट का लेकिन ये ऑफर कल से शुरू होगा यानी कि अब कल से क्या आप याद शुरू हो जाएगा आधे घंटे बाद से एक घंटे बाद से कितना हो जाएगा साढ़े दस से ऊपर हो ही गया तो बस बढ़िया है आपके लिए आज मस्त है सेलिब्रेट हाँ। तो सी डी एस की कैटेगरी में अगर सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो ये बहुत अच्छा है ट्वेंटी परसेंट लेकिन कल से चौदह तारीख के बीच ये काम कर लेना है और वही काम आपने करना है सी ए पी एफ के लिए भी चाहे आप चौबीस महीने का कोर्स लीजिए बारह महीने का या छ महीने का आइकॉनिक लेंगे तो उस पर भी डिस्काउंट है और प्लस कोर्स लेंगे तो उस पर भी लेकिन सारा डिस्काउंट ट्वेंटी परसेंट का है और कोड लगाना है एच आई एम वन टू ठीक है बाकी दूसरी कैटेगरी का भी है तो उसका भी इस्तेमाल वहां पर भी इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और जरूरी सूचना दे देता हूँ कि मेरे प्यारे सभी देशवासियों जो देश सेवा में तत्पर है उनको लगता है कि नहीं हमें कुछ कर दिखाना है देश के लिए कुछ बड़ा करना है ऐसे सभी भाइयों को मेरा सथ सथ नमन अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि तेरह अक्टूबर 13 अक्टूबर जो है वो नया बैच आ रहा है अल्फा सीडीएस 2023 के नाम से श्री प्रतीक सर हैं विशाल सर हैं सुमित सर हैं सिद्धांत सर हैं रेशमा मैम है हिमांशु सर, सर। ये सारे लोग जो हैं ये आपको गाइड करेंगे इस बैच में या आपको पढ़ाएंगे सारा बैचेस कंप्लीट करेंगे आपका और आपका ये बैच आपके एग्जामिनेशन से पहले कंप्लीट हो जाए ठीक है तो आपको वो कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं रहेगा कि पता नहीं बैच कंप्लीट होगा क्या होगा क्या नहीं होगा तो आपके लिए ये एक अच्छी चीज है ठीक है तो आप इस बैच को लगाइए अभी मौका है आपके पास ओके, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सारे लोग रेडियो कॉपी लो फटाफट पिछले दिनों क्या हुआ है हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने फॉर्मली इंडक्ट कर लिया है इंडीजीनियसली डेवलप्ड मल्टीरोल लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर एल सी एच तो एल सी एच मतलब लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इंडीजीनियसली बनाया यानी कि हमने खुद बनाया और बेसिकली हेलीकॉप्टर का नाम क्या दिया गया प्रचंड ठीक है तो वी कैन से दिस प्रचंड एक लाइट कॉम्बेट हेलीकॉप्टर है डिजाइन एंड डेवलप्ड बाई एच ए एल एच एल ने डिजाइन किया है जी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ठीक है और प्रचंड इज अंडिया फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी रोल कॉम्बेट हॉस्पिटल हेलीकॉप्टर अभी फिलहाल के लिए इवेंचुअली 65 हेलीकॉप्टर्स विल बी इंडक्टेड इनटू आई ए एफ नाइंटी सेवन इंटू द आर्मी तो अभी शुरुआत में पैसठ प्रचंड हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स में लगाए जाएंगे और नाइन्टी सेवन जो है एयरक्राफ्ट हैं हेलीकॉप्टर्स हैं वो इंडियन आर्मी में डाले जाएंगे ठीक है ध्यान रखना अब यहां पर याद रखेंगे कि इन टोटल ऑफ हेलीकॉप्टर चार हेलीकॉप्टर डाल देने से इंडियन एयरफोर्स के पास न्यूली रेज नंबर एक हो जाएगा तीन अक्टूबर दो के हिसाब से हालांकि नाम पता होना चाहिए और डेवलपमेंट कहा हुई है ये पता होना चाहिए एल के भी बारे में कुछ फीचर्स हैं बेसिक फीचर्स कभी कभी पूछ लेते हैं तो ठीक है अगर पूछ लिया तो पता है नहीं पूछा तो कोई बात नहीं एलसीएच इज द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो वर्ल्ड में जो पांच हजार मीटर की, की हाइट पर भी है? टेक कर सकता है, कर सकता है। तो इस तरीके से स्पेशली डिजाइन है इसका अपना एक फीचर है फाइव थाउजेंड फिट तो प्रचंड हेलीकॉप्टर फाइव थाउजेंड फिट पे ऑफ भी कर सकता है लैंड भी कर सकता है दुनिया का एक ठीक है और विद द लॉट ऑफ वेपन एंड लोड भी इसमें फ्यूल भी है, भी है बहुत सारी चीजें ठीक है। कहते हैं इसमें जो इंजन का इस्तेमाल किया है वो फ्रेंच ओरिजिन का है लेकिन हमने उसको अपना नाम दिया है बहुत पावरफुल इंजन है सो so दैट नाम है उसका शक्ति ठीक है ओके okay. और वहां से डिजाइन कॉपीड है यानी कि उनसे बातचीत करके लिया गया और उसको डिजाइन या, या मैन्युफैक्चर किया गया है इंडिया के अंदर इसकी जेनेसिस से क्यों हमने इसको इंडक्ट किया है तो 1999 में जब कारगिल की वॉर हुई थी तो पहली बार इस बार में हमको लगा कि हमारे पास लाइट वेट हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए जो काफी एल्टीट्यूड पर भी लैंड और टेक ऑफ कर सके ठीक है तो कई बार बैटल फील्ड में ऐसे ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है इज़ तो वहाँ पर हमारी सरकार को लगा कि यानी कि आर्मी को या इन सबको कि एक बढ़िया प्रोजेक्ट के तहत ऐसी चीजें देनी चाहिए तो गवर्नमेंट सेंशन यानी कि सरकार ने इसको सेंक्शन किया अक्टूबर 2006 में और एच ए एल को यह काम मिला कि वो बेसिकली इस तरीके का कोई हेलीकॉप्टर डेवलप करेंगे तो पूरी समरी क्या निकली कि लाइट कॉम्बेट हेलीकॉप्टर जिसका नाम प्रचंड है उसको एच ए एल की तरफ से डेवलप किया गया है एच ए एल की अपनी खास खासियत यह है कि इसकी जो टेक ऑफ और लैंड करने की कैपेसिटी है वो 5000 मीटर पर भी है बेसिकली इसमें जिस इंजन का इस्तेमाल किया गया है उसको एच ने मैन्युफैक्चर तो किया है लेकिन उसका नाम शक्ति है 1999 का जो वॉर था कारगिल वॉर उसके बाद हमें इसकी जरूरत लगी और हमने इसको डेवलप किया है शुरुआती तौर पर हम ऐसा देख रहे हैं कि अभी के लिए 65 फाइव परसेंट हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स में लगाए जाएंगे और 97 जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो एयरफोर्स आर्मी को दिए जाएंगे अब यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है पिछले दिनों मैंने आपसे बातचीत करके बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर चल रही है इस वॉर में रशिया ने डिक्लेयर किया था कि उनके पास अब यूक्रेन के चार रीजन आ चुके हैं कितने आ चुके हैं चार रीजन क्या क्या बात थी वो आप सबको याद होगा क्रीमियन पेनुसुला आपको दिख रहा है ये तो 2014 में ही रसिया को मिल गया था एक, मिल गया इन सेंस एक्वायर कर लिया मैं यहां से आपको करंट सिनेरियोस को जोड़कर बताऊंगा फिर फरवरी 2022 याद होगा आपको लुहांस्क और डोनेस्क ये दो रीजन है जो आपको यहां पर दिखाई दे सकते हैं डोनेस्क और लुहांस्क ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा फरवरी 2022 में रशिया ने इंडिपेंडेंट स्टेट या हम कह सकते हैं कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिए थे और क्या कहा था कि अब ये रशिया मतलब इनके हिसाब से लुहांस्क और डोनेस्क इसका हिस्सा नहीं होंगे तो अब ये यूक्रेन का हिस्सा नहीं होंगे और इसी के साथ यहां पर जो सेपरेटिस्ट हैं जो बात करते हैं कि उन्हें यूक्रेन का हिस्सा नहीं बनना है उन लोगों ने अपना सारा समर्थन किसको दे दिया रशिया को कि हमें रिलीज करवाओ हमें अलग करवाओ इनसे तो ऐसे में रशिया ने क्या किया यहां पर अपनी पपेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी जो सेपरेटिस्ट लोग हैं उनके मदद से तो अब ये सारे किसका गुणगान करने लगेंगे रशिया का और रशिया ने स्टार्ट यानी कि जब ऐसा करेंगे कि डोनेस्क और लोहानस की रूलिंग गवर्नमेंट वो सब ने मना कर दिया कि भाई अब हम यूक्रेन का ऑर्डर्स नहीं मानेंगे उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो यूक्रेन क्या करेगा रिटालिएट करेगा थ्रू द मिलिट्री एफ डिफेंस है कि नहीं एंड इन दैट पर्टिकुलर केस जब ये दे स्टार्ट रिटालियटिंग तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा और लुहांस के पास तो आर्म्ड फोर्सेस है नहीं इस ग्रुप में हाँ सम मिलिटेंट ग्रुप्स तो उनसे तो पॉसिबिलिटीज वी कैन सी दिस की दे कैन इजिली फाइट और कॉम्बैट तो इनको सपोर्ट करने कौन आएगा रशियन फोर्सेस सो दैट रशियन फोर्सेज विल एंटर द प्रमाइसिस क्लियर है हाँ. और फिर ये चीजें यहां पर लड़ाई शुरू होगी ठीक अब रशियन फोर्सेस और तो यूक्रेनियन आमे सामने तो यहीं पर लड़ाई नहीं होगी अभी ऊपर वाले हिस्से में इस साइड भी लड़ाई आएगी क्योंकि अब लड़ाई हो रही है तो लड़ाई तो कहीं से भी हो सकती है यानी कि द पर्पज ऑफ दिस वॉर टू डिफीट एंड एक्वायर द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन इस यू इस पूरी वॉर का उद्देश्य तो यही है ना कि यूक्रेन को हराया जाए और यूक्रेन का ज्यादा से ज्यादा जो टेरिटरी है उसको एक्वायर कर लिया जाए तो दो हिस्से तो यहां पर क्या हुए लुहांस्क और डोनेस्क एक्वायर कर लिए गए थे रशिया के द्वारा रशिया के लोगों के द्वारा बट फरवरी से आज हो गया सितंबर खत्म तो यानी कि अब तो अक्टूबर चल रहा है लेकिन सितंबर से अक्टूबर के बीच में जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी बाई रशियन आर्म्ड फोर्सेस और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो वहां पर धीरे धीरे करके यूक्रेनियंस को वेस्टर्न यानी कि इनली स्टेज द वेस्टर्न कंट्रीज डिनाइड टू गिव द हेल्प यास दैट टाइम जो यूक्रेनियंस थे वो तो डिमांड कर रहे थे कि मेरे को कुछ हेल्प मिल जाए कुछ हो जाए बट स्टार्टिंग में वो डिसाइडिंग मोमेंट पर नहीं थे बट लेटर ऑन जब वेस्टर्न कंट्री रिलाइज के नाउ इट इज गोइंग टू बी ओवर द टॉप तो फिर उन्होंने कहा कि अब हम धीरे धीरे इनको मदद देंगे तो बढ़िया वेपन्स दिए गए बढ़िया हथियार दिया गया बढ़िया फंड दिया गया और बाकी हौसला यूक्रेनियंस के पास पहले से ही था तो उन्होंने रिटैलिएट करना शुरू किया अच्छे हथियार आ जाने से अच्छी तरीके से वो लड़ पाए कॉम्बेट कर पाए तो रशिया के लिए अब ये युद्ध जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो गया ना? अब हर कहीं पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी और लोग इस बात को लेकर रशिया को क्रिटिसाइज करने लगे कि एज वी वर एक्सपेक्टिंग अबाउट द रशिया कि रशिया विल रशिया विल ईजिली डिफीट द यूक्रेन

गिविंग स्टेटमेंट अबाउट द रस यूक्रेन यूक्रेनियंस आर विनिंग द वॉर ऐसे भी स्टेट स्टेटमेंट आ रहे थे तो तो और ज्यादा दुख हो गया तो कैसे इस चीज को बताया जाए कि नहीं वी आर विनिंग द वॉर ऐसे में रशिया ने जेपोरिजिया और खारसन दो तो टेरिटरी और एक्वायर कर ली और यहां पर कराया जनमत संग्रह ठीक है रेफरेंडम अपनी नजर में और अकॉर्डिंग टू रसिया हाँ, अकॉर्डिंग टू रसिया खार्सन एंड जेपोरिजियस जो पब्लिक है दे आर नॉट सपोर्टिंग यूक्रेनियंस दे आर सपोर्टिंग द रसिया तो इनके हिसाब से ये जो हिस्सा है ये हिस्सा रसिया में आना चाहता है और अभी के लिए हम इसको अपना एक्वायर कर लिया प्लीज अब यहां पर मुझे एक बात बताओ जब ऐसी गड़ी तोने लग जाएगी चार चार टेरिटरी एक्वायर कर लेंगे यहां पर अपने कंट्रोल तो अब देखो एक हिस्सा तो पहले चला गया था 2014 थाउजेंड में लोहानस और डोनेस्क फेबर में चला गया और ये दो सितंबर में अनाउंसमेंट हो रहेगी जी हमारे कब्जे में ठीक है ये तो बड़ी समस्या है किस तरीके से अब ऐसे में अगर आप देखें तो यूक्रेनियंस का भी तो बहुत सारा जो मनोबल होगा ना एंथोजिया खत्म हो रहा होगा That इज ऑल्सो गिटिंग डिक्लाइन वो भी नीचे जा रहा होगा तो ऐसे में क्या होगा ऐसे में ये होगा कि यूक्रेनियंस भी रिटालियट करेंगे तो यूक्रेनियंस ने रिटालियट किया आपको ये टेरिटरी दिख रही है ये ये रशियन टेरिटरी, ठीक है और रशियन टेरिटरी से यहां से कनेक्ट है ठीक है और ये कनेक्ट है थ्रू ब्रिज यानी कि उसके बाद ब्रिज बनाया गया टू तक बनकर तैयार हो गया तो चार साल के अंदर यूक्रेनियंस ने सोचा कि यार ये इतना एक्सेस बहुत आसानी से पा रहे हैं। एक काम करता हूं ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये सारा सी का एरिया है ये तो इससे तो कनेक्टिविटी नहीं है नहीं यहां तक है और यहां कैसे कनेक्टिविटी हो रही तो यहां तो यूक्रेनियंस ने क्या सोचा कि अगर हम ये इनका पुल ही डैमेज कर दें क्या कर दें इनका पुल डैमेज कर दें यानी कि ये जो ब्रिज है अगर इसको डैमेज कर दें तो क्या होगा इधर सप्लाई रुक जाएगी सोचो बोलो यानी कि द तो पर्पज है ना उनका ऐसा कुछ सोचा होगा उनका कुछ थॉट प्रोसेस रहा होगा जिससे खारसन जेपोरेजिया तक उतनी सप्लाई यानी कि उतनी नहीं पहुंचेगी दूसरा क्रीमिया के इस वाले हिस्से में रशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस है जिसको बेस बोलते हैं यानी कि सेवस्तापोल में तो यहां पर पूरी सप्लाई आर्म सप्लाई जो भी सपोर्ट होता है वो यहीं से जाता है आर्म फोर्सेस भी सारे कुछ यहां पर आते हैं ठीक है थीके? सो so दैट उन्होंने बम मार दिया मिसाइल मार दी क्या होगा डैमेज होगा अब देखो मैंने आपको ग्राउंड बता दिया कि ये इधर ही डैमेज क्यों कर रहे हैं ना? आपको लॉजिक ऐसे सुनते कि कहीं ये पुल बना है बढ़िया चार साल में खतरनाक पुल बनाया अठारह उन्नीस किलोमीटर का है रोल एंड रेल ब्रिज अभी मैं आपको मैप से साफ दिखाऊंगा कहां पर जा रहा है रोल एंड रेल ब्रिज ड्रिंकिंग रशिया एंड द क्रीमियन पेनसोला वॉज डैमेज इन अ पावरफुल ब्लास्ट रिसेंटली हिटिंग अ क्रूशियल सप्लाई रूट ऑफ द रशियन फोर्सेस इन यूक्रेन दो पुल है एक ये रोड ब्रिज है और ये रेलवे ब्रिज दो पुल है जो हिट किया था वो रोड वाले ब्रिज को हुआ है हिट ठीक है ओके okay. आओ कितना किलोमीटर लंबा है उन्नीस किलोमीटर लंबा क्रीमियन ब्रिज ओवर द कर्च स्ट्रेट ओनली डायरेक्ट लिंक बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ रशिया एंड क्रीमियन मेनो क्रीमियन पेनासुला को आपस में जोड़ता है ठीक है ध्यान रखना विच मॉस्को एनेक्स फ्रॉम यूक्रेन इन 2014 थाउजेंड रशिया ने 2014 में विच इज द क्रूशियल फॉर द सप्लाई ऑफ फ्यूल फूड एंड अदर प्रोडक्ट टू क्रीमिया आपको सबको पता होगा कि जब हम ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ये हिस्सा तो ये सी ऑफ एजॉब है और ये है ब्लैक सी ओके, सी ऑफ एजॉब और, और सी ऑफ ब्लैक सी इन दोनों के बीच में एक बहुत ही नैरो पैसेज है ठीक है और सी नारो पीस पैसेज को हम स्ट्रेट ऑफ कर्च बोलते हैं क्या बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च, या कर्च स्ट्रेट तो ये जो स्टेट ऑफ कर्च है ये आप देख लो ये सारा जो है वो रशिया है और ये यूक्रेन है केवल यही पर बनेगा रेल लिंक और क्या बनना है आ, रोड लिंक ठीक है तो दो बना देता हूं मैं ये लो एक हो गया रेल और एक हो गया रोड ठीक है और इसी को उन्होंने उड़ाया है अब उड़ाने में डैमेज इनके हिसाब से इन्होंने किया लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज हो नहीं पाया रीजन ये क्योंकि मिसाइल कंस्ट्रक्शन भी है और फिर मिसाइल कितना हिट करती है कितना बड़ा एक्सप्लोजन मारते हैं तो वो उन्होंने उसी दिन चालू भी कर दिया ठीक है लेकिन बात वही है कि सब कुछ ठीक चल रहा था ठीक चल रहा था लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए था है ना कि लड़ाई लड़ाई चल रही है ये दूसरा मुद्दा आ गया इसमें कंस्ट्रक्शन डैमेज करने पर सामने वाली पार्टी भी तो कंस्ट्रक्शन डैमेज करेगी है कि नहीं तो इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ है कि पहले बमबारी हुई कल नौ तारीख को इस वाले हिस्से में यानी कि बहुत सारा ज़ेपोरेजिया वाला जो हिस्सा ये है यहां वाले हिस्से में जो हिस्सा अभी भी यूक्रेन के हिस्से में वहां ठीक तो वहां हुई तो लोगों को लगा कि ठीक है करेंगे रिस्पॉन्स इतना बमबारी होने के बाद इनको सबर नहीं आया इन्होंने कहा देखिए भाई ये क्रीमिया है और यहां बमबारी बम ठीक है मजा आनी हम करेंगे इधर बमबारी तो अभी बाद में अटैक हुआ कहां पर बोलो हाँ तो अटैक हुआ बेसिकली कीव में भी तो रशियन आर्म फोर्सेस ने वहां पे भी मिसाइल मारी जिसमें रिपोर्ट क्या कहती है रिपोर्ट ये कहती भाई कि यूक्रेन रशिया कि अगर बात करें तो करीब में जो भी मिसाइल अटैक हुए हैं उसमें ग्यारह लोगों की जाने गई हैं बहुत सारे अटैक्स हुए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जाने गई बस ऐसा समझ लो वो तो ग्यारह लोग ऐसे इनको नंबर नंबर फिर बढ़ते रहते होंगे ना दस अक्टूबर की बात है ये आज की और अपडेशन भी इसका दो मिनट एगो का है यानी कि मैंने ये तीन चार घंटे पहले डाला था तो तब की ये न्यूज है तो 11 लोगों के मारे जाने की खबर आई ठीक है और यह रिस्पॉन्स क्यों हुआ यानी कि कीब में उतना कंट्रोल कम है अब इस लड़ाई का अंत नहीं दिख रहा है अंत क्यों नहीं दिख रहा है कई दफे जैसे पुतिन ने यह भी कहा है अभी कई सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, पुतिन का ऐसा कहना है कि भाई आपको हमको यहां जैसे अभी के लिए जो मिसाइल्स हिट करी जा रही है कीव में हो तो वहां पर केवल डिफेंस वाले एरिया हैं या जहां पर आर्म सोल्जर्स हैं उनको ही टारगेट नहीं किया जा रहा है बल्कि अब कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग्स जो हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है स्कूल्स हॉस्पिटल्स ऐसी जगहों को हुई अब वो तो लड़ाई है लड़ाई में तो फिर चलता ही है ये सोचना चाहिए पहले ही इनको कि क्यों हम ऐसा काम कर रहे हैं ठीक है तो फिर वो जल्सिकी हैं उनका ये कहना है कि जी हेवन की मीटिंग बुला लो लेकिन हमारे वो काम का नहीं है कुछ करो कुछ नहीं करो ये सब चल रहा है बेलारूस भी इस लड़ाई में आ चुका है ठीक है तो ज्वाइंट मिलिट्री असिस्टेंस देगा अब वो इनको मतलब ज्वाइंट मिलिट्री असिस्टेंस का मतलब क्या हुआ आपने बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकासेंको के बारे में सुना होगा ये बेसिकली एक तरीके के डिक्टेटर हैं इन्होंने रशिया को पूरा सपोर्ट देने की बात कही है और साथ के साथ क्या कहा है हमको ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है और हम पर हमला कर सकता है यूक्रेन है यार हम हमने तो कुछ किया ही नहीं है हम तो अपना बचाने के चक्कर में हम तो लड़ाई में है ही नहीं लेकिन फिर भी इन्होंने कहा नहीं हमको तुमसे खतरा है हो सकता है तुम हम पे गोली मार दो ये कर दो वो कर दो इसलिए हम अपनी दोस्ती का फर्ज अदा करेंगे और अब हम यानी कि इधर देख लो जरा आप इधर ये वाला बॉर्डर तो रशिया घिसात जदोहद में है यहां पर भी बेलारूस कह रहा है कि अब आर्म फोर्सेस तैनात की जाएंगी रशियन प्लस बेलारूस दोनों मिलकर ठीक है तो इनकी कहानी अगर आगे आने वाले समय में तेजी देखी गई तो उस तेजी का कारण कोई और नहीं है। दोस्त है हाँ चलो हाँ तो हाँ मतलब आपको मैंने बता दिया कि ये ऐसा हो रहा है बाकी जैसा जैसा होता जाएगा आपको अपडेट मिलती जाएगी नहीं हालांकि बराबर कहा जा रहा है जेलेंस्की की तरफ से कि प्लीज पूरी दुनिया शांति की बात कर ले कुछ सॉल्यूशन कर दो ठीक है ना पोलैंड को भी तब आएगा मजा पोलैंड क्या करेगा आके या पोलैंड आ तो रहा है पोलैंड के लिए क्या कहा गया है कि जितनी भी वो हैं अक्सर जितनी भी मतलब वहां पर जिन भी देशों की एम्बेसीज हैं तो उन एम्बेसीज ने अपने आप को निकाल के पोलैंड चले गए कि हम पोलैंड से जब तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा तो हमको बुला लेना लड़ाई वड़ाई खत्म हो जाएगी क्यों लड़ाते बहुत यार तुम तो पोलैंड तो अपना पहले से किनारे कि भैया हमको इसमें कोई लेना देना है नहीं ठीक है ना पोलैंड का जब कोई लेना देना नहीं है तो मतलब कोई बनता है इसमें है। बोलो उसने जो रसिया का पुल उड़ा दिया उसका क्या अरे तो मैं से क्या पूछ रहे हो रसिया का पुल इसने उड़ाया इसलिए उड़ाया क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियंस के वो इलीगल अनेक्शेशन है अवैध कब्जा ठीक है इसलिए उन्होंने उड़ाया उनके हिसाब से वहां पर सारी कंस्ट्रक्शन अवैध है जो रशिया ने करी है आपको ध्यान रखना है कि यहां पर यहां सेवस्ता नाम की एक जगह है और यहां पर ही रशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस है रशिया ब्लैक फ्लीट के नाम से उसको जानते हैं ठीक है थीके? रशिया यहीं से ऑपरेट करता है पूरे ब्लैक सी को कंट्रोल करता है ठीक है यस अब यार मैं आगे इनको बोलूंगा कि अब तुम लोग इतना मत लड़ो हमारे लड़के परेशान हो गए सब लोग डेली डेली किताबें भर जा रही है तुमको मजाक सूझ रहा है है कि नहीं ऐसे ऐसे शहरों इन सबको सबक लेना चाहिए मंगोलिया से बताओ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए मंगोलिया से देश है कि नहीं है वो तक नहीं पता चलने दे रहा है मेरे को लगता है कई दफे वहां कुछ हो ही नहीं रहा या क्या कर लिया उन्होंने न्यूज ही को खत्म कर दिया उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही कोई न्यूज ही नहीं आ रही ना उसका राष्ट्रपति कहीं जा रहा को, कोई कोई मूवमेंट ही नहीं कर रहा वो सुस्त है ऐसा लगता है कि सबने दवा ववा खा लिए सो रहे हैं छह महीना सोएंगे लगातार एक न्यूज नहीं आती नहीं तो बड़ा से भारत को लेके कहीं कुछ तो करे हम्म कुछ करता ही नहीं है न्यूट्रल है एकदम खतरनाक और वो भी रसिया के बगल में न्यूट्रल है सोचो आप कहीं और होते किनारे कोई आइलैंड कंट्री होती जिसे मेडागास्कर करे नहीं सुनते कोई बात नहीं क्योंकि वो छोटा थे वो रसिया के बगल में रह के शांत है उसको भी कुछ कोई कुछ बोल ही नहीं रहा पता नहीं क्या उसको कुछ कह देता है डांट दिया है उसने किसी बात का बुरा मान गया है पूरी दुनिया से जिसे होता नहीं कि कोई डांट दिया नहीं करा घर में बच्चे होते नहीं होते तो उसको कोई डांट दे तो बस चुप चुप हो जाता है तो वही है ना न्यूज में डिफेंस अरे उतनी न्यूज नहीं है ऐसे तो एक इक्का दुक्का तो वो हमारे साथ भी आ, कर लेता है ना एक्सरसाइज इन जनरल जिसे जियोपॉलिटिक्स में जो तूफान मचाए रहते इनका विवाद उनसे चल रहा है उनका विवाद इनसे चल रहा है तुर्की र्की तक भी रहते हैं देश में हम तक आती खबर पोलैंड ओलैंड में भी चल रहे दो चार बार कोई प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट होस्टेस्ट की भी खबर आती पता नहीं क्या चल रहा है उनके देश में कोई खबर ही नहीं आ रही ऐसा लग रहा है कि गुस्सा मान पूरी दुनिया से गुस्सा मान के बैठा हुआ है <laughs> कि नहीं मैं बात ही नहीं करूंगा आप किसी से जाओ तुम लोग अपना अपना कर लो इस तरीके का जैसा होता है ना कि मतलब गुस्सा हो गया है वो चलो भैया इंडियन एयरफोर्स डे आठ अक्टूबर को मनाते हैं हर साल कब तो मनाते हैं अक्टूबर को ये डे वगैरह याद रखो कोई डिफेंस की तैयारी कर दो तो तुम पता होना चाहिए द डे एम्स टू पे द ट्रिब्यूट टू इंडियन एयरफोर्स इस दिन इंडियन एयरफोर्स को ट्रिब्यूट दी जाती है एंड एग्नोलेज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर सक्सेसफुल नेशन भारत एक जो आज सफल देश है उस सफल देश

खूब वीडियो लगाते हो और वीडियो लगा के नीचे लिखते हो ये वो आज खूब चला था बीच में है? तभी परसों, तभी से लोगों ने लगा है कि देखो एयरक्राफ्ट उड़ाए जा रहे हैं आजकल तो इंस्टाग्राम पे तुरंत पता चल जा रहा है लोगों को कौन सा डे है चार पांच ऐसे करके वो इंस्टाग्राम के पेज फॉलो कर लो उसके बाद तो तुमको कुछ करना ही नहीं है तुम्हें अपडेट ही नहीं देखे बाकी वो लोग फोटो डालेंगे लगेगा कितना बड़ा डालते तो ऐसे इंस्टाग्राम पे वीडियो शेयर कर दी थी यही पायलट है हाँ प्लेन के अंदर यही बैठा हुआ इसी ने किया है जितने भी स्टंट दिखाए जा रहे हैं सारे स्टंटिंग यही कर रहा हम्म और एक गाना वो हाँ पिक्चर वो भले नहीं चली लेकिन उस गाने ने तो भाई साहब देश मेरे ऐसा कर रखा जहां देखो खतरनाक वो गाना लगा रखा यार ऐसा लगता है कि सारा कंधे पे इसी आदमी के भार है जो ये गाना लगा रहा है अगर ये गाना ना लगाए देश आगे नहीं बढ़ेगा नहीं कई दफे ऐसा लगता है इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट IAF डिसाइडेड टू होल्ड यानी कि इस तरीके का जो बेसिकली एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होता है वो दिल्ली एनसीआर में किया जाता है यहाँ एक हिंडन पोर्ट है वहां पर करते हैं हिंडन बेस वहीं पर ऑर्गेनाइज करते हैं सब चीजें लेकिन पहली बार चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज किया गया इसकी अपनी हिस्ट्री भी है आठ अक्टूबर 1932 में, बत्तीस में नब्बे साल हो गए आठ अक्टूबर उन्नीस में ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य ने इंडियन एयरफोर्स की स्टैब्लिशमेंट करी थी ओके इट वॉज क्रिएटेड टू सपोर्ट द ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स तो वर्ल्ड वॉर टू में जापानियों के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स को सपोर्ट मिल सके इसके लिए इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी इंडियन एयरफोर्स अटैक जापानीज बेस एक्चुअली बर्मा के अंदर जापानी घुस गए थे पता ही है तो उन जापानी आर्मीज को रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया था हम नहीं कर रहे थे इतना मतलब जापान को बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को नहीं उस समय तो हम एक कॉलोनी थे ना ये अब सब कोई समझता कोई बड़ी बात नहीं तो जापानी आर्मीज को वहां से भगाने के लिए यह इस्तेमाल किया गया था किंग जॉर्ज सिक्स ने हमारी इंडियन एयरफोर्स को एक टाइटल इंडियन एयरफोर्स जैसे वहां रॉयल देते हैं। 1945, 1945 में। लेकिन भारत में भारत जैसे रिपब्लिक हुआ हमारे पास सभी प्रकार के सोवरेन हो गए हम तो हमारे पास ऐसे ऐसे अधिकार आए हमने सबसे पहले रॉयल शब्द हटाया हमने कहा हटा इसको रॉयल रॉयल क्या ये तो जो ये जो टाइटल था रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1950 में हटा दिया गया ड्रॉप कर दिया गया अदरवाइज 1945 से लेकर 1950 के बीच में इंडियन एयरफोर्स के नाम के आगे रॉयल भी लगता था रॉयल इंडियन एयरफोर्स ठीक है हाँ बिल्कुल 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 है यस क्लियर हो गया सब बच्चों को अब बड़ी समस्या पूरी दुनिया में है आप सबको पता है फीफा वर्ल्ड कप कहां हो रहा है कतर में हो रहा है बोलो कहाँ हो रहा है कतर में यार कतर कैसा देश है सबको पता ही है और फीफा कैसा खेल है वो भी तुमको पता है नहीं फीफा में खेल रहे हैं वहां फुटबॉल और फुटबॉल खेलने वाले जो देश है वो महान एडवांस है एडवांस नहीं जो हमारे यहाँ जो माहौल गोवा वोवा वो के बीच में मिल रहा है, वो उनके मोहल्ले में मिल जा रहा है जो देश फीफा खेलते हैं तो कतर को डेनमार्क को बड़ी समस्या है कतर में फीफा होने से प्रॉब्लम क्या है कि कतर की सरकार भी बिचारी क्या करे वो अपने से हालांकि कतर की सरकार ने बहुत छूट दी है जैसे वहां शराब पे बंदी नृत्य वृत्य पे भी बंदी है डांस वांस नहीं होगा खिलाड़ी एंजॉय नहीं और वो सब उसी टाइप के लोग हैं एकदम पार्टी चिल करने टाइप के लोग और वहां बंदी कर दे रहे हैं वहां तो बहुत अधिकारों की बड़ी समस्या है ना डेनिस फुटबॉल एसोसिएशन डीबीयू यानी कि डेनमार्क का जो फुटबॉल एसोसिएशन है वांट्स टू मिनिमाइज द एक्टिविटी चूंकि फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप वहां हो रहा है तो ये पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा कतर एज अ पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट तो इन्होंने कहा कि कतर का जो पुअर ह्यूमन राइट रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स को लेकर तो बहुत अधिकार तो देते नहीं है महिलाओं में अलग नहीं। और पुरुषों को अलग अधिकार बहुत जेंडर इनिक्वालिटी तो है ही कतर में वी कैन से क्योंकि वहां के जो लॉज हैं वो काफी रिस्ट्रिक्ट करते हैं महिलाओं को अब इन दैट सेंस टेनिस या डेनमार्क इज द कंट्री विच बिलोंग्स टू द वेस्टर्न नेशन या यूरोप विच इज क्वाइट ओपन दे प्रमोट यानी कि जो डेनमार्क है डेनमार्क प्रमोट से इक्वालिटी जेंडर देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ जेंडर बायसनेस तो फिर वहां ऐसे देश में कतर में अगर हो रहा है और डेनमार्क वाले जाके उसको रेवेन्यू दे रहे हैं तो ऐसा लगेगा ना पूरी दुनिया को कि तुम भी तो सपोर्ट करते हो उन लोगों को समटाइम्स यू क्रिटिसाइज

उन्होंने कहा हम इनका रिकॉर्ड ठीक नहीं हम एक्टिविटी मिनिमाइज करेंगे नो फैमिली विल कंपनी प्लेयर्स एंड ऑफिशियल कोई भी कोई भी ऑफिशियल प्लेयर फैमिली मेंबर नहीं ले जाएगा भाई साहब ठीक क्यों फिर रिड्यूस एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे मे अर्न कतर थ्रू टूरिज्म टूरिज्म के थ्रू पैसा कमाने नहीं देंगे क्योंकि कोई फैमिली ले जाएगा तो कहेगा हमको ये दिखाओ तेल के कुएं दिखा ले चलो <laughs> तो वहां का जो कल्चर है सिविलाइजेशन है उससे रेवेन्यू जनरेट ना कर पाएंगे ठीक है तो ये दूसरा कह रहे हैं कि म्यूटेड ब्लैक जर्सी इट विल सिग्निफाई द कलर ऑफ मॉर्निंग एक जर्सी बनाई है जैकेट मतलब टी शर्ट पता नहीं आपको दिख रही कि नहीं दिख रही ब्लैक कहा दिखे हाँ I don't think so, ये दिख रही है आपको तो ये ये जैकेट है ब्लैक ये उनके प्लेयर पहन के खेलेंगे और इस जैकेट में जो कलर इस्तेमाल किया गया है वो मनहूस कलर है ठीक है ज्यादा ही ब्लैक हो कोई बात नहीं यस म्यूटेड ब्लैक है ना म्यूट है ये ब्लैक मतलब वहां जाके वही बेइज्जती करनी तुम लोगों के ह्यूमन राइट्स नहीं है ये नहीं है इस तरीके का काम 2021 तो की जो एमनेस्टी की रिपोर्ट है कहा गया कि बहुत हजारों हजार माइग्रेंट वर्कर्स जो इंडिया पाकिस्तान नेपाल से आए हैं कतर के अंदर उनका बहुत बड़े लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन किया गया है जब स्टेडियम्स का कंस्ट्रक्शन हुआ था या फिर वर्ल्ड कप रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था ठीक है ध्यान रखना अरे मैंने देख लिया ब्लैक हाँ मैं कह रहा हूं ब्लैक ही है वो लेकिन डोंट वरी अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सो so दैट 2021 की एक रिपोर्ट क्या कहती है ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन इसलिए क्योंकि जो जितने भी जो लोग जाते हैं ठीक है थीके? फाइनल में खेलने नहीं देना कतर इनको अरे ऐसे थोड़ी ना होता है मतलब इनका अपना प्रोटेस्ट है कि भाई हम नहीं भेजेंगे अब अब कतर इनके फीफा के चक्कर में अपनी पॉलिसी दे सरकार थोड़ी चेंज कर लेगा कि हम ठीक है आप कह रहे हैं तो कल से यहाँ पे डेली खुली एकदम दारू भी नहीं ऐसा नहीं है जो उनके लॉज हैं उनके लॉज के हिसाब से चलेंगे तो उनके यहां जितनी आ जाती है वो दे सकते हैं धीरे धीरे हालांकि सऊदी अरेबियन कंट्रीज या ये जो अरेबियन पेनिस की कंट्रीज हैं तो अब ठीक है पर्शियन गल्फ में आसपास देखिए कई सारे धीरे धीरे काम कर रहे हैं ना? बहुत सारे ऐसे आ, मुल्क हैं जो महिलाओं को भी क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी अधिकार इट विल टेक सम टाइम टू चेंज द टेम्परामेंट इंडिया के अंदर भी वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर द वीमेन्स राइट ना गलिंग इन इंडिया फॉर गेटिंग फॉर गेटिंग द राइट तो उनको कितना मिल पाता है भारत के अंदर जब रिपोर्ट बनती है जेंडर इक्वालिटी की तो उसमें आता है सौ के ऊपर इंडिया की रैंक आती है इन कंट्रीज की तो क्या ही आती हो होगी हाँ। ठीक है ओके डन सारे डन कर दो बच्चो यस मेरे प्यारे देशवासियों कृपया डन करें और अब हम पढ़ेंगे एक आखिरी रिपोर्ट पिछले दिनों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा की गई इसमें कई सारे बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है अब यह राष्ट्रीय बाल पुरस्कार क्या है जो बच्चे हैं इन्होंने कुछ साहसी काम किया लास्ट डेट फॉर द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक्सटेंडेड 31 अक्टूबर 2022 मतलब प्रधान दिया नहीं गया अब इसमें नॉमिनेशन होता है तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया इकतीस अक्टूबर दो तक ये काम किया जाएगा जिन लोगों को बताना है कि उन्होंने कोई बड़ा कर्तव्य किया है उसके आधार पर उसको एक्सटेंड कर दिया गया नेशनल नेाइल्ड हर साल दिए जाते हैं कई सारे बच्चों को सेलेक्ट करते हैं इसमें ठीक है ना और ये बेसिकली जो बच्चे हैं जिनको ये अवार्ड देते हैं जैसे बड़े बुजुर्गों का अवार्ड सरकार क्या देती पद्म भूषण पद्मश्री ये सब अपने अपने क्षेत्र में कोई महान काम किए करते अगर कोई सिनेमा के क्षेत्र में काम करता है तो उसको नेशनल अवार्ड्स वगैरह देती है देती है अभी मिला है अजय देवगन को सूर्या को मिला है कि नहीं मिला हाँ इसी तरीके से दादा साहब फालके अवार्ड देती है बहुत लंबे समय तक लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पर देती है ना उसी तरीके बच्चों को भी बच्चों का भी तो प्रोत्साहन होना चाहिए तो एक्सेप्शनल अचीवमेंट जो बच्चे हमारे करते मेहनत करते कुछ अचीव किया तो 1996 में 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी चिल्ड्रेन विद द एक्सेप्शनल एबिलिटी कोई बढ़िया एबिलिटी उनके अंदर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कोई अचीवमेंट है इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन स्कॉलिस्ट यानी स्कॉलर है अचीवमेंट सोशल सर्विस आर्ट कल्चर और स्पोर्ट्स में ठीक है कहते हैं कि अ मेडल कैश प्राइज आर गिवेन और एक मेडल दिया जाता है कैश प्राइज भी देते हैं फ्रॉम द ईयर टू थाउजेंड एट्टी अवार्ड हैज बीन रीनेम्ड एज बाल शक्ति पुरस्कार ठीक है एंड अचीवमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन इन द फील्ड ऑफ ब्रेवरी और ऑल्सो एग्नोलेज पहले क्या था बच्चों से ब्रेवरी की उम्मीद नहीं करते ठीक है हाँ पापा को उल्टा जवाब दे दे हमारी उम्र में मान लेंगे कि हिम्मत का, का काम किए उल्टा जवाब क्यों देना है पापा को ये कोई ब्रेवरी का काम नहीं है ये धूर्तता है कदाचार है ये तो समझ लो अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो इसका मतलब उसके घर वालों ने उस बच्चे को संस्कार ठीक नहीं दिए तो संस्कारों की बात है समाज में बच्चा आगे रहेगा आगे जाएगा तो अच्छे काम करे क्या दिक्कत है क्या है देखो पहले क्या कर रहे थे कह रहे थे इनोवेशन स्कॉलर इस, होना चाहिए ऐसी कोई अचीवमेंट हो सोशल हो सर्विस हो आर्ट हो कल्चर हो और अब जोड़ दिया कि अगर वो ब्रेव भी है यानी कि कहीं कोई बड़ा किसी को बचा ले जान बचा ले उन सब और इसका नाम बदल दिया गया जो है एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड किसकी तरफ से चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से, की तरफ से। सर अगर कोई किसी को नदी में डुबा कर खुद बचा लाए तो उसको भी ऐसे मिलने लगे नदी में डुबा के बचा लाए ऐसे तो कितने बच्चे बचा लेते होंगे किसी ना किसी को ब्रेवरी मस्ट बी डिफाइंड के लाओगे ना क्या कहेगा वो? क्या कहेगा? बोलो कि अवार्ड के चक्कर में धक्का दिया तो भैया ने और उसके बाद मेरे को बचा के लाएंगे आप इनको आप ब्रेवरी का अवार्ड दे दीजिए ब्रेवरी चेक करने का कि ये मैम मेरे पूछा जाएगा बच्चे से कि आपने ऐसा क्यों किया कह जी मैं मुझे सकता कि मैं ब्रेव हूँ कि नहीं कर लाओ चेक करता हूं तो चेक करने के बाद यह हाँ मुझे खुद को बचाना नहीं आता है क्योंकि आई कांट स्विम खतरनाक है ठीक है स्विमिंग तो सीखी जा सकती है जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको सीखा नहीं जा सकता आप स्विमिंग सीख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू विश ऑल द बेस्ट और कल फिर हम मिलते हैं धन्यवाद और जाने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना लाइक वाइक कर देना यार और हाँ आ, कल सेम टाइम भी अच्छा कल का थोड़ा सा शेड्यूल ले लो आगे जाने से पहले शेड्यूल क्या है वो भी आप देख लीजिए पहला स्केड्यूल ये एक तो 12 पीएम पर जो सीएपीएफ की क्लास है वो तो होगी ही हो होगी 12 पीएम सीएपीएफ की क्लास है। ठीक है ना दूसरा कलेक्टेस्ट होगा करेंट अफेयर और पॉलिटी का ठीक है तीसरा करेंट अफेयर की क्लास होगी करंट अफेयर की क्लास कब होगी और टेस्ट कब होगा ध्यान से सुनिए आपका जो टेस्ट होगा वो 9 पीएम टू 10 पीएम होगा ठीक है और करेंट अफेयर की क्लास जो होगी वो साढ़े दस से साढ़े ग्यारह होगी अभी आपको लिंक मिल जाएंगे डोंट वरी आप छोड़ लेना फाइन अच्छा नया इकोनॉमिक्स का बैच अक्टूबर के एंड में ये तो तेरह तारीख से बैच आ रहा है ना अभी तेरह तारीख से बैच शुरू होंगे लेकिन इसी में अक्टूबर के एंड में बैच शुरू होगा एक न्यू ठीक है हाँ तो उसमें आपको सर पीडीएफ कैसे मिलेगी आई विल अपलोड ऑल द पीडीएफ डी एफ एट अन अकेडमी प्लेटफॉर्म डोंट वरी टुमारो वी विल गेट यस सर न्यू इकोनॉमिक्स कोर्स ओके ओके टूमारो वी विल मीट एट

हाँ सीडीएस सी हर किसी के लिए डोंट वरी ठीक है और कोई डाउट हो तो बताओ आप चलिए बाय बाय